वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कमेंट। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा पावर मिल 2020 का ये 13वां लेसन है। आज के इस लेसन के अंदर हम 2D कर्व एरिया क्लियरेंस इस स्ट्रेटेजी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर भी 2D कर्व एरिया क्लियरेंस ही सीखा था। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आकर आप पावर मिल 2020 ट्यूटोरियल जो है लेसन नंबर 12 कर्व एरिया क्लियरेंस, आप मेरे चैनल पे आएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें से आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं। तो इसके अंदर हमने ये स्टडी की थी कि जो 2D कर्व एरिया क्लियरेंस है इसको हम जो 3D मॉडल के ऊपर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कल जो है वो 2D कर्व एरिया क्लियरेंस को एक 3D मॉडल के ऊपर हम कैसे प्लेस कर सकते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल बनाया था मैंने, लेसन नंबर 12। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम 2D वायर फ्रेम की मदद से, यानी हमारे पास 2D ड्राइंग है, उसको हम कैसे पावर मिल के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास क्लाइंट आता है और आप 3D मॉडलिंग नहीं जानते, तो आप क्या पावर मिल के ऊपर प्रोग्राम नहीं बना सकते? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप 2D जानते हैं, ऑटो कैड के ऊपर अगर आप 2D बना सकते हैं, तो आप पावर मिल के मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी जैसे कि 2D कर्व एरिया क्लियरेंस हम आज सीखने जा रहे हैं। अब इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके तो सिंपल प्रोग्रामिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि पावर मिल के अंदर हम 2D वायर फ्रेम से कैसे प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसको मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ ताकि हम शुरू से जो है वो प्रोग्राम बना सकें। तो ये सारा का सारा क्लोज हो चुका है। अच्छा फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फाइवर के ऊपर मेरी CNC प्रोग्रामिंग के हवाले से मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस की प्रोग्रामिंग तक। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइवर के ऊपर रिसेंटली किए हैं। तो अगर आप मेरी सर्विस लेना चाहते हैं कोई पावर मिल या CNC प्रोग्रामिंग के हवाले से, अगर आप किसी किस्म की मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे फाइवर के ऊपर आकर जो फाइवर का मेरा गिग है, इसका गिग का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको दे दूंगा, आप वहां से ओपन करके मेरी गिग के ऊपर आ सकते हैं। तो आप यहां पर आकर मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कोई भी मेरे से काम करवाना CNC प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग की तरफ। तो ये देखिए, मैंने पावर शेप के अंदर एक 2D स्केच बनाया है, यानी अगर आपको 2D ड्राइंग आती है तो आप सिंपली स्केच बनाएं और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम, और पावर मिल के अंदर आकर मॉडल्स के अंदर आकर आप राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए न्यू मॉडल। तो ये हमारा जो मॉडल है वो प्लेस हो चुका है, यानी 2D वायर फ्रेम जो है वो प्लेस हो चुका है। नज़र हमें इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ से हमने वायर फ्रेम मोड जो है वो ऑन नहीं किया, तो ये हमारा वायर फ्रेम हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये जो बाहर वाला जो स्केच है इसको मैं यूज़ करूँगा ब्लॉक बनाने के लिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम के ऊपर आया, ब्लॉक के ऊपर क्लिक किया और कैलकुलेट किया। अब ये जो है इसकी जीरो थिकनेस है। अब मैं इस ब्लॉक को थिकनेस देना चाहता हूँ, तो मैं जेड की वैल्यू के अंदर -50 लिखूंगा, तो ये 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी हमारा ब्लॉक बन चुका है जिसकी थिकनेस 50 mm है। एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद मैं एक एंड मिल कटर जो है वो बनाने जा रहा हूँ जिसका डायमीटर है 16 mm। तो बाकी शैंक होल्डर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये हमारा जो टूल जो है वो भी जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारे पास टूल पाथ है 2D कर्व एरिया, इसको चलाने के लिए हमें पैटर्न की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पैटर्न्स के अंदर चलता है। तो ये जो हमारे पास अंदर वाला जो आपको वायर फ्रेम नज़र आ रहा है इसको मैं यूज़ करूँगा पैटर्न बनाने के लिए। तो पैटर्न बनाने के लिए हम पैटर्न्स के अंदर आएंगे, कर्व एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे और कलेक्ट की ऑप्शन को चूज़ करके इस वायर फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये अब हमारा जो वायर फ्रेम है ये पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम आएंगे टूल पाथ्स के अंदर और यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे 2D कर्व एरिया क्लियरेंस, ओके। वर्क प्लेन जो है वो हम जो हमारे पास डिफॉल्ट वर्क प्लेन है उसे रखेंगे। ब्लॉक हमने कैलकुलेट करवा लिया है, टूल भी हमने जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, मशीन टूल ज़रूरत नहीं है। लिमिट के अंदर आकर आप इसको सेंटर की ऑप्शन चूज़ करें,
कर्व एरिया क्लियरेंस के अंदर आएंगे, यहाँ से हम जो है पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने पैटर्न सेलेक्ट किया पैटर्न वन के नाम से। तो अगर आपने पैटर्न यहाँ से सेलेक्ट किया है और आपका यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ से पैटर्न जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके आप यहाँ से पैटर्न को एक्टिवेट करेंगे तो आपका पैटर्न यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब ये देखें, इसने ग्रीन एरिया अंदर की तरफ शो करवाया है। अगर आपका एरिया ग्रीन की बजाय बाहर वाले एरिया की तरफ, जो ग्रीन एरिया है वो बाहर, जो हमारे पास बाउंड्री है इसे बाहर चला जाए, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, यानी अगर आपके पास इस सूरत हाल के अंदर आ गया है, तो जिस तरह मैंने ये जो प्रैक्टिस की है आप इसी को रिवर्स करें तो आप अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्ट करें तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ आ चुकी है। लोअर लिमिट ये वो वैल्यू है जिस डीप तक आप पॉकेट बनाना चाहते हैं, यानी पॉकेट की जो डीप है आप यहाँ से सेट करेंगे लोअर लिमिट। तो मैं 20 मिलीमीटर डाउन जाना चाहता हूँ, ठीक है। स्टाइल जो है वो मैंने ऑफसेट रखा है, आप यहाँ से रास्टर भी रख सकते हैं, ऑफसेट भी रख सकते हैं, वॉर्टेक्स भी रख सकते हैं, मैंने ऑफसेट रखा है। अच्छा, इसमें पोजीशन, ये जो हमारे पास ऑप्शन है, आप हमेशा जो है वो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं अपना जो कटर है वो इस जो मैंने बाउंड्री बनाई है वायर फ्रेम के थ्रू इसके अंदर चलाना चाहता हूँ, तो मुझे ये वाली पोजीशन की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसमें कर्व थिकनेस मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर भी बताया कि कर्व थिकनेस दर हकीकत हम आम जो टूल पाथ बनाते हैं रफिंग का, उसके अंदर हम हमारे पास यहाँ पर एक्सियल थिकनेस होती है और रेडियल थिकनेस होती है। तो यहाँ पर कर्व थिकनेस है, यानी आप कर्व को जितनी थिकनेस देंगे आपकी वॉल के ऊपर उतनी थिकनेस बाकी रह जाएगी जिसको आप फिनिशिंग के अंदर क्लियर करेंगे। मैं कहता हूँ कि मैं कर्व थिकनेस जो है वो 1 रख देता हूँ। अब इसके बाद कट डिस्टेंस, स्ट्रोक डेप्थ, यानी ये डेप्थ है जहाँ तक वो हमारा कटर पेनिट्रेट करने वाला है। तो स्टेप डाउन मैंने 1 का रखा, हॉरिजेंटल स्टेप ओवर मैंने 10, यानी जो है वो 10 का रखा। स्टेप डाउन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। इसका रिलेशन कुछ इस तरह से है कि अगर मैं स्टेप डाउन 2 का रखता हूँ तो मुझे यहाँ से स्ट्रोक डेप्थ जो है वो 10 की रखनी पड़ेगी। आप लिमिट्स के अंदर भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कट्स ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर मैं स्टेप डाउन 2 का रखता हूँ तो नंबर ऑफ कट्स मुझे 10 रखने पड़ेंगे, यानी 10 नंबर ऑफ कट्स अगर ये चलेंगे 2 के स्टेप डाउन से, तो ये 20 मिलीमीटर की पॉकेट बना देगा डेप्थ के अंदर। फिनिशिंग के अंदर आते हैं, अब वॉल फिनिशिंग जो है इसको मैं अभी नहीं छेड़ रहा, इसको मैं क्लियर करूंगा इससे अगली स्ट्रेटेजी के अंदर। फ्लोर फिनिशिंग, तो फ्लोर फिनिशिंग ये है आखिरी जो पास लेगा ये 0.5 का लेगा, ताकि ये कम मटेरियल के साथ हमारे जो फ्लोर है उसको क्लियर कर सके। इसके बाद ड्राफ्ट है। अच्छा, ड्राफ्ट इसके अंदर ये एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पर हम पॉकेट बना रहे हैं और उस पॉकेट के जो वॉल्स हैं उसके ऊपर हम कोई ड्राफ्ट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जितना ड्राफ्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने फिलहाल 2 रखा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने 2 का ड्राफ्ट रखा है। ऑफसेट, रिमूव कर्व्स और बाकी सारी की सारी ऑप्शन जो है इससे आपको काफ़ी आगाही हो चुकी होगी अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखते चले आ रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करवाते हैं। ये देखिए, उसने जो टूल पाथ है वो जनरेट कर दिया है, यानी हमारी ये जो 2D प्रोफाइल थी इसने उसी को ट्रेस किया और उसी के अलोंग ऑफसेट एरिया क्लियरेंस का टूल पाथ बना दिया। अब हम इसको सिमुलेट करवा के देखते हैं। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, व्यू मिल ऑन, और प्ले करते हैं इसको। तो ये देखिए, इसने 2 मिलीमीटर का जो है वो कट लिया और ये रफिंग करवाता नीचे जाता जा रहा है। अब इसके अंदर मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है, वो है ये जो हमने मैंने आपको ड्राफ्ट बताया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका मैंने फ्रंट व्यू ऑन किया, तो इसमें ये देखिए, ये इस एंगल के अंदर ये ड्राफ्ट लगा हुआ है, यानी हमारी जो अंदर पॉकेट बनेगी उसकी वॉल्स के ऊपर ड्राफ्ट लगा होगा, तो ये मकसद है ड्राफ्ट लगाने का। तो इस तरह हम ड्राफ्ट भी लगा सकते हैं और 2D कर्व को इस्तेमाल करते हुए हम फिनिश जो है ऑफसेट ये एरिया क्लियरेंस की जो स्ट्रेटेजी है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी मतलब हमने जो रफिंग करवाई, अब हमने फिनिशिंग करवानी है। तो फिनिशिंग के लिए हम क्या करें, तो फिर से टूल पाथ्स के अंदर आएंगे।
अब ये जो ऑप्शन है 2D कर्व प्रोफाइल, हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम इसकी फिनिशिंग भी करवा सकते हैं। तो 2D कर्व प्रोफाइल इसको सिलेक्ट किया। और पैटर्न इसी को सिलेक्ट किया और हमारे पास ये जो लोअर लिमिट है कर्व थिकनेस, अब इसके अंदर हम 0 कर देंगे क्योंकि हम अब फिनिशिंग करवा रहे हैं। और फ्लोर फिनिशिंग इसको भी हम अनचेक कर देंगे, ड्राफ्ट एंगल हमारा वही रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बाउंड्री बन रही थी ये उसके अलोंग चला और इसने हमारी जो वॉल्स थी उसको भी क्लियर कर दिया। तो इस तरह से जो है वो हम ये इसकी वॉल्स के ऊपर भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इसको भी सिमुलेट मैं करके दिखा देता हूँ, प्ले करते हैं। तो ये इसकी वॉल्स के ऊपर फिनिशिंग कर देगा। यानी इस टूल बार के अंदर हमने ये सीखा कि हम अगर 3D मॉडलिंग नहीं जानते और 2D बनाना जानते हैं तो हम पावर मिल के अंदर 2D प्रोफाइल्स की मदद से कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये सीखा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम एक नई मालूमात के साथ आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।